कैसे हो आप सब लोग, मैं हूं आपका भाई मनोज विष्ट। स्वागत करते हैं आज के नए ब्लॉग और नए टूर, जहां हम आए हैं घाट से नंदप्रयाग, नंदप्रयाग से यहां सैकोट 8-10 किलोमीटर के डिस्टेंस में। तो सबसे पहले तो आप सब मित्रों का मेरा तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों के प्यार प्रेम से मेरा सब्सक्राइबर और वॉच टाइम दोनों पूरा हो चुका है और मेरे चैनल पर नोटिफिकेशन आ चुका था यूट्यूब का। तो आज आपको दिखाते हैं यहाँ पर एक गांव में मैं आया हूँ शादी में, तो यहाँ का नाम है सैकोट। तो देखते हैं यहाँ क्या क्या देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये है पूरे ये जो सैकोट गांव के खेती बाड़ी और उनके घास लगे हुए हैं, नीचे तक उनका पूरा जमीन है, यानी उनका खेती बाड़ी है। तो यहाँ से गांव प्रारंभ होता है। कल जाना दूध ले उठते। तो गाइस, अभी इस गांव के भ्रमण में आपको दिखाया गया है एक हनुमान भगवान का मंदिर, जो कि गांव के ठीक बीच में है। तो यहां के लोग बहुत मानते हैं भगवान को। और यहां पर अभी आप देख सकते हैं एक पेड़ है, यह अमर कल्प वृक्ष की तरह बहुत पुराना पेड़ है, और लोग यहां पर सुबह सुबह आकर माथा टेकते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। मार्केट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा एरिया क्लियर अप लग रहा है, पूरा गोचर, और उस साइड एयरपोर्ट भी दिख रहा है। तो ये रहा मार्केट और ये दूसरी रोड है। And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow.
me how we got here, 'cause you don't know. हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, एक मंदिर है शिव भगवान का जो जस्ट मेरे पीछे आपको दिख रहा है। यह है सर्पेश्वर महादेव का मंदिर, जहाँ पर कि भोलेनाथ विराजमान रहते हैं। बल तो चलो चलते हैं मंदिर के अंदर, क्या कुछ देखने को मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस। I go to, and if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Days I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. इस बार गाल पे